हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के हमारे वीडियो में एक खास शहर की बात करने वाले हैं, जहां जाने का सपना एक न एक बार हर भारतीय देखता है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय सैलानी रिवर क्रूज का आनंद लेने पहुंचते हैं। इस नदी पर तैरते क्रूज शिप पर संगीत और डांस शोज गोवा की संस्कृति की एक झलक दिखाते हैं। नदी के दूसरे तट पर मछुआरों की रंग बिरंगी मोटर बोट कतार में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। हम बात कर रहे हैं गोवा की कैपिटल सिटी पंजिम की। ये शहर युवा दिलों की पसंदीदा जगह माना जाता है। यहाँ लोग शाम को क्रूज शिप की मंजिलों पर रेस्टोरेंट, कैंडल लाइट डिनर और नाच गाने का भरपूर मजा उठाते हैं। अपने किसी प्रियतम को अपने प्रेम का इजहार करना हो या फिर अपने नए साथी के साथ जीवन के कुछ यादगार दिन बिताना चाहते हो तो गोवा की एक क्रूज शिप आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि गोवा में बिकिनी बीचेस भी काफी ज्यादा फेमस है, जहां पर लोग अपने साथी के साथ खुशी भरे पल बिताने आते हैं। बिकिनी बीच उसे कहा जाता है जहां पर आप ना के बराबर कपड़ों में सनबाथ ले सकते हैं। वैसे ये एक्टिविटी भारत में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इन बीचेस पर ज्यादातर विदेशी लड़कियां ही आती हैं। ज्यादातर भारतीय लोग यहां जाने से हिचकिचाते हैं। परिवार के साथ यहां जाना आपको असहज कर सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं या अपने साथी के साथ तो दुनिया के इस हिस्से को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंजिम में एस्कॉर्ट सर्विस भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहां पर आपको कुछ ही रुपयों में प्रतिदिन के हिसाब से मेल या फीमेल साथी मिल जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में उदास या अकेले हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजिम वो शहर है जहां आपकी हर जरूरत पूरी की जाती है। अब अलग तरह का खाना हो या लग्जरी, वर्ल्ड क्लास शराब हो या सवाब, प्रेम के दीवाने इसी शहर की गलियों में अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाई लेने आते हैं। किसी समय यह शहर पुर्तगाली भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज के भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य गोवा की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। इसी शहर में नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन भी दिल लुभाने वाली है। ये शहर मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के पुर्तगाली आर्किटेक्चर वाले घर और इमारतें आपको यूरोप में घूमने का एहसास देते हैं। इस शहर की एक खास बात है कि ये शहर 1961 तक भारत का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि ये पूरा शहर और आज का गोवा राज्य हमारे भारत से 8000 किलोमीटर दूर पुर्तगाल के सबसे बड़े शहर लिस्बोन से चलाया जाता था। आज के समय ये भारत के सबसे प्यारे राज्य के रूप में जाना जाता है। साल भर यहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। टूरिज्म के लिए पंजिम शहर भारत के सबसे मशहूर राज्यों में आता है, और यहाँ की ओल्ड स्कूल कैफे, बेकरी और वाइन शॉप्स लोगों के दिलों पर राज करती है। इस शहर की लाइफस्टाइल बड़ी ही चिल रहती है। कॉलोनियल हेरिटेज और यहाँ के लोगों का रहन सहन और संस्कृति दूर दूर के घूमने वालों को यहाँ खींच लाती है। आमतौर पर गोवा में गर्मी के मौसम में पर्यटकों की भीड़ जुटती है, लेकिन जुआरी नदी के मुहाने पर मौजूद डोना पावला बीच और इसके विपरीत दिशा में कोलावा बीच ऐसे सागर तटों में शुमार है जहां पर्यटक विशेष तौर पर मानसून के समय में ही आते हैं। मडगांव से 60 किलोमीटर दूर दूध सागर फॉल्स भी मानसून में अपने चरम पर होता है। वैसे इस शहर में एशिया का सबसे बड़ा गोवा सनबर्न फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां पर अलग अलग तरह का म्यूजिक और डांस होता है। यहीं पर आप गोवा के ट्रेडिशनल खाने का आनंद भी ले सकते हैं। 3 दिन तक लगातार ये फेस्टिवल पूरे शहर को जगाए रखता है। इसके अलावा पंजिम शहर में फूड एंड कल्चर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां स्पेशली इस राज्य के खाने के ऑथेंटिक टेस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।